कौन है दिवाली ने फरमा अबू बकर मैं आख्या नमाज पढ़ाई जा कमली वाले तेन पिछा किवें करा इश्क विच यार नू पिछे नहीं करी दे इश्क विच यार नू कंड नहीं करी दी अर्ज की दी कमली वाले तेनू छड़ के नमाज पढ़ी जावा मेरी नमाज भी टूट जानी सी मेरा रब नाल रिश्ता ही टूट जाना सी। अल्लाह रब العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही व बारक वसल्लम के बाद फाज़िल मुहतशम दीनतुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी उमर मतलूब ताहिरी साहिब और दीगर तमाम उलमाए किराम नातखाना ने शरी लिसान बानिया ने महफिल नकीबे महफिल मुअज्जिज़ीन इलाका मेहमाना ने गिरामी ज़ियत शाम हाज़रीनों सामिन किराम अजदा पाकीज़ा इज्तिमा सिलसिला शाने सैयदना सिद्दीक अकबर कॉन्फ्रेंस आप देश इलाका मरकजी जामिया मस्जिद बहार मदीना सरफराज कलोनी कंगनी वाला जिटी रोड गुजरा वाला अंदर इन पजीर है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ अज की इस माफले मुबारक के तमाम बानियान का मुहम्मद अकरम एनसन स्क्रैप डीलर और बाबू मुहम्मद लियाकत साहेब और इन्हां दे दीगर तमाम मुआविनीन इंतजामिया जामे मस्जिद हाजा और तमाम मुंतजमीन महफिल जिन्होंने बड़े दूर को एहतिशाम नाल इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस का अहतमाम फरमाया मैनु और आप बाब नू रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिक्र खैर दा मौका मुयसर फरमाया जनाबे नकीबे महफिल मुहम्मद हुसैन अतारी कादरी साहब ने अपनी नकाबत दिल पजी नाल आप बाब नू और मैनु महसूस फरमाया आप दे इलाके दी ज़ीनत फखरे गुजरांवाला जनाबे फखरुल खुदा उस्तादुल खुदा हजरत कारी मुहम्मद खादिम बिलाल मुजद्दी जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत लहन के अंदर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाशरीफ भी पढ़ी और कुरान मजीद की तिलावत भी सानू महसूस फरमाया दुआ है कि रब ताला उन्हां रातां दा सदका जिहड़ियां नबी करीम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दे नाल गारे सौर च गुजारियां और उन्हां रातां दा सदका जिहड़ी नबी पाक ने गारे हिरा च गुजारियां अल्लाह मेरी और आपा बाप दी अज दी रात कबूल फरमा के साढ़े सारे वास्ते जरिए निजात बनाए कुरबो जवार तो आपा बाप सारे तशरीफ लेके आयो नबी पाक दे जोड़े पाकां दी खैरात च अल्लाह करीम सारे नूं हर हर कदम ते नेक ने ज़खीरे अता फरमाए क्योंकि उनवान अमीर उल मोमिनीन खलीफा बिला फसल इमाम उल मुत्तकीन फनाफ रसूल मुस्लिम अव्वल कायनात दे पहले आशिक रसूल हुस्न अव्वल दे इश्क अव्वल इस तरह कहां कि इस्लाम के बूटे से जो पहली बहार आई थी इस्लाम के बूटे की पहली बहार का जो पहला फल लगे उसका नाम अबू बकर सिद्दीक तो आज असी दुनिया के पहले मुसलमान और कायनात के सब तो बड़े सूफी कायनात के सब तो बड़े आशिक रसूल फनाफी रसूल हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दा ज़िक्र खैर करांगे कुराने मजीद फरकान हबीब की आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया आयत मुबारक रब तआला ने इरशाद फरमाया वस्साबिकून अलअव्वलून फरमाया उलूम जेडे अव्वल होन च सबकत लै गए यानी पहलियां विचों भी पहले मिनल मुहाजरीन वल अंसार मुहाजरीन विचों और अंसार यानी मक्के वाले सहाबा चो और मदीने वाले सहाबा विचों والذین تبعوهم بإحسان फिर ओ जिन्होंने एहसान दे नाल इन्हां दी इत्तबा कीती यानी इन्हां तो बाद आने वाले सहाबा और ताबईन
رضی اللہ عنہم مرضو عن فرمایا اللہ انہاں تے راضی ہے تے او اللہ تے راضی نے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت کیتا تو جڑے صحابہ کے بعد نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پہلے کلمہ پڑھیا کچھ مکی صحابہ سن اور تقریبا 10 مدنی صحابہ سن انہاں لوگاں دا اللہ کریم نے تذکرہ ارشاد فرمایا تو ارشاد فرمایا بس سابقون الاولون فرمایا او جڑے اول ہون چ سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار وچوں یعنی او جڑے پہلے وچوں پہلے نے تو اج گجرا والا والے میں او دا تذکرہ کرن لگا جڑا پہلے وچوں پہلے نے انہاں وچوں بھی پہلا ہے جڑا سب تو پہلا ہے آج او دے اول ہومن دا بھی میں ذکر کرنا ہے او دے خلیفہ بلا فصل ہومن دا بھی ذکر کرنا ہے سیرت طیبہ دے میں چند گوشے بھی عرض کرنے او جدی صداقت دا رب دا قرآن گواہ تے جدی خلافہ دا رب دا قرآن گواہ تے جدی کردار دا اللہ دا قرآن گواہ تے نبی دا فرمان گواہ تے سابقون الاولون وچوں ہی جڑا سب تو اول اسی اس شخصیت دا ذکر کرنا ہے کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں شب معراج اللہ دا دیدار کیتا تے واپس تشریف لے آئے تے رستے وچ میرے نبی نے جبریل نو فرمایا جبریل مینوں راتوں رات لے گئے ہو تے راتوں رات بھی چھوڑ چلے آئے نہ کسی نے مینوں معراج تے جاندا دیکھیا تے نہ مینوں کسی نے آوندا دیکھیا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام جدوں معراج کرن کو حضور تے گئے او 70 سردار اپنے قبیلے دے نال لے کے گئے تو 70 سرداراں نو نال لے کے گئے تے انہاں نے آ کے تے قوم نو آکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی تجلی نہیں دیکھی مکر گئے موسیٰ کریم علیہ السلام 70 گواہ نال لے کے گئے تے سارے مکر گئے میرے آقا نے فرمایا جبریل تو مینوں نال لے کے چلے ہیں تے نہ کسے جاندا تے نہ کسے آوندا ویکھیا تے کون منے گا کہ میں رب نو ویکھ کے آیا میں معراج کر کے آیا تے جبریل نے عرض کیتی کملی والے کو منے نہ منے صدیق تے منے ہی منے کوئی منے گا نہ منے کملی والے آ تیرا ابو بکر صدیق تے منے ہی منے سرکار نے جدو اپنی نبوت دا اعلان کیتا تے جنہیں سب تو پہلے منیا او صدیق ہے جدو میرے نبی نے معراج دا اعلان فرمایا تے جنہیں سب تو پہلے تصدیق کیتی او ابو بکر صدیق ہے تو قاری عمر مطلوب صاحب اللہ نے قرآن چ فرمایا بس سابقون الاولون او جڑے اولون ہونے چ سبقت لے گئے انہاں اولون وچ بھی جڑا سب تو اول ہے آئیے او دا تذکرہ کر گئے پڑھا قرآن اچا تھوڑا بولو سبحان اللہ ایڈی ڈھلی سبحان اللہ دا میں گا کے نہیں آیا اجے میں ایک تقریر اور جا کے کرنی ہے بس تاب کوئی شاید گجرا والے دے وچ ہی تے میں اوتھے بھی جانا ہے تہاڈے بالکل قریب ہی ہے تے انہی سبحان اللہ دے میرا اوتھے تک گزارا ہو جاوے میں رات سرگوتے سا بیرا شریف او بیرا شریف والے نے انہی سبحان اللہ آیا کہ ٹائم تو انہوں نے تقریبا فجر تو تھوڑی دیر پہلے دیتا ساری رات ہی ماشاءاللہ ذکر مصطفیٰ ہوندا رہا تو او میرا سارا دن گزارا ہو گیا ہے تسی سبحان اللہ انہی فرماؤ کہ میرا بس تھوڑی دیر ہور گزارا ہو جاوے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ تسی آمین فرما جی یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آو ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آو ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے محفل وچ جاگدیاں حضرت صدیق اکبر تے انہاں دے آقا و مولا دی زیارت نصیب فرما ہن کام ایتھے رکھا ہے میں جدو بھی کدے گجراں والے آیا میں مایوس نہیں گیا کیونکہ پہلواناں دا شہر ہے ماشاءاللہ تے تسی سبحان اللہ بھی پہلواناں والی فرماندے ہو ماشاءاللہ تو سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم
मरदून आइए नौजवान दफ्तर जमा अर्द कराओ अगर कोई अपना भला चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसे को खुदा चाहता है उसे चाहे जिसे को खुदा चाहता है खुदा की रजा चाहते हैं दुआला खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा की रजा चाहते हैं दुआला खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है सारा जग अल्लाह दिया रादावा चाहता है जदू सिद्धि के अकबर दीवारी आई अल्लाह ने रिजा फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम वरदून अल्लाह ने फरमाया ए अल्लाह तेरा दी है रब ए दे तेरा दी जदो आई ना सिद्दीक दी वारी उत्थे ते अपने यार दी वारी फरमाया तेनू इन्ना देवांगा बाबूबा इन्ना तेरा रब तेनू देवेगा तू राजी हो जाएगा फत्तर दा ते जदो आई सिद्दीक दी वारी अल्लाह ने रिजा फरमाया बस आयु जल्लबु अल्लाह कल्लदी युती मालहु यतज़क्कर वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़्ज़ा ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى मुहम्मद नु राजी करना चाहता है ओही रब अबू बकर नु भी राजी करना चाहता है वला सौफा यरदा गिरामी कदर हजरत रजी अल्लाह अनहुम वरदुअन अल्लाह इन हां ते राजी है ते अल्लाह ते राजी ने पर कौन ओ जेड़े मुस्तफा दे सहाबी हो गए ओ जिन्ना ने मुस्तफा दे कदमा च बैठ के ते यार नाल वफावां दे वादे कीते वसाबिकून अल अव्वलून पहलेयां विचों पहला ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਨ ਯਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਲ ਹੁਮਾ ਫਿਲ ਗਾਰ ਗਾਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਦੋ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ यार दा यार भी यार होंदा है ते अल्लाह ने फरमाया था नहीं यस नहीं दुआ विचों दूसरा दुआ विचों अच्छा दूसरा ते सिद्दीक ते पहला कौन है कमली वाले अच्छा पहले कमली वाले ते दूसरे सिद्दीक अकबर ते नबी करीम पहले ते अबू बकर दूसरे जेड़ा नबी दे बाद दूसरा होवे उम्मत दा पहला ओही हुंदा है भाई जेड़ा नबी दे बाद दूसरा होवे उम्मत दा ओही पहला हुंदा है पता लग्या आ जेड़ा लोग कहंदे ना दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर नहीं नहीं कुरान वादा कुरान गवाए दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा पहला नंबर वसाबिकून अल अव्वलून ओ जेड़ा सबकत
करने वाले चो अव्वल ते अव्वलून होने वाले चो भी अव्वल है सानी यस नहीं ने दुआ विचू दूसरा है ते दुआ विचू दूसरा है पहला कमली वाला दूसरा से ठीक है ते जड़ा नबी दे बाद दूसरा है उम्मत दा ओ ही पहला है आओ पहले उदे पहले होन दी गल करिए ते फिर उदे पहले आ विचू होन दी गल करिए थोड़ा जा हौला बोलो बार आवाज ना जावे ए हाथ ना चुके मत के तेरे को शहीद ना हो जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज उनवान तो सिर्फ अव्वलून होन दा वेच सुना मैं लगा अव्वल होन दा कि उन नबी दे बाद है ते दूसरा पर उम्मत दा पहला हो ही है। गिरामी कदर हजरात एक पेंडू आया मेरे नबी दी बारगाह किताबुल फितन दे अंदर हदीस पाक पेंडू जदों मिलके टुरिया ना ते नबी करीम अलैहि सलाम ने देखे उहदे कोल इक ऊंट दा बच्चा हजूर ने फरमाया ए बेचना ही पेंडू ने अर्द की थी खरीद लो नबी करीम अलैहि सलाम ने कीमत तय करके ना ते हुजूर ने फरमाया कि ऊंट दा बच्चा छोड़ जाओ ते पैसे कल लाके ले जाया जे। कारी उमर मतलूब साहब जब वो पेंडू टुरिया ना ओ गली विच गुजरता जा रहा मदीना तैयबाद ही कि अगो मौला कायनात सदर बज़्मे वलायत असदुल्लाह अल गालिब गालिबुन अला गालिब हजरत मौला अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो शरीफ लगे आ रहे ते आपने उन्हों पेंडू नू मिले गले लगाया सलामो दुआ दे बाद हजरत मौला अली फरमावन लगे किधर आए सो अखा जी नबी पाक दी ज़ियारत करन आया सा ते ज़ियारत हो गई जी हो गई ते चले हो जी मैं चलिया ते मैं कल फिर आना मौला अली ने फरमाया तुहाडा ते गांव बड़ी दूर है ते फिर कल क्यों आना आख्या नबी पाक ने ऊंट दा बच्चा ले लिया ना सरकार फरमा दे पैसे कल लाके ले जायो पैसे कल लाके ले जायो ते मैं कल पैसे ले आना है। मौला अली ने उस पेंडू नु पकड़िया ते ओ मदीने दी गली दे कथड़े ते लेके बैठ गए ते मौला अली फरमा दे है तो तू नबी दा सहाबी है पर तू यार सादा ही है बड़ा ही सादा बंदा उन्हें आखिया जी हुण की होया आपने फरमा जाओ नबी पाक को जाओ ते एक बार याद करो या रसूल अल्लाह मैं कल इनो सफर करके आना है ते जे कल तुहाडे नाल मुलाकात ना होई तुसी दुनिया तो पर्दा कर गए या कोई मुलाकात ना तुसी किधरे तशरीफ ला गए ते मेरे पैसे ते मर गए ओ पेंडू एडा सादा वापस आ गया आके मस्जिद नबी दी दरवाजे दी चौखट पकड़ के ना कह लगा या रसूल अल्लाह आज कल मैं आना ते जे तुसी ना मिले ते मेरे पैसे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम मुस्कुरा के ना हजरत अबू बकर सिद्दीक दे कंधे ते हाथ रखया फरमाया कल मैं ना मिलया ते मेरे अबू बकर को ले जाओ पिंडो बड़ा राजी राजी टुरिया मौला अली को जाके बैठ के कहने लगा जी गल बन गई नबी पाक ने मसला हल कर देता है फरमाया की फरमाया आखिर सरकार फरमाते ने कल आवी जे मैं ना मिला ते मेरे अबू बकर को ले जाई मौला अली फरमाते ने तू भी ना उन्हें आखिया जी हुण की होया पर मैं फिर जा पूछ या रसूल अल्लाह जे कल अबू बकर भी ना मिले ते मेरे पैसे ते गए ओ पेंडू एडा सादा फिर आ गया आके चौकट पकड़ के ना दरवाजे दी ते कह लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कल आना ते या रसूल अल्लाह जे अबू बकर भी ना मिले कलेजा ठर जाएगा सुन्नी मां दे पुत्र दा मेरे आका ने फरमाया कल आवी जे अबू बकर ना मिले ते मेरे उमर को ले जावे पेंडू बड़ा राजी राजी मौला अली नु जाके कह लगा जी गल बन गई हजूर ने फरमा जे उमर ना उमर अबू बकर ना मिले ते मेरे उमर को ले जाई मौला अली फरमाते ने गल ते ठीक है पर तू ना बड़ा ही सादा ही उन्हें आके जी हुण की होया फरमा फिर जा तुसी होर हौला बोलो सुभान अल्लाह मैं शेर पढ़े ना तुसा वल सुभान अल्लाह कर देनी है ते जिन्नी तुहानू गिनती आउंदी ना इन्ने को शेर बनाउंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह ते कुरान ते मैनूं अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही आंदा है ते मेरा दिल करदा कि मैं इंशाल्लाह तुहानू ए कुरान भी सुनावा नबी पाक दा फरमान भी सुनावा ते नाल शेर इस वास्ते सुनावा कि ताकि ज़ौक भी ताज़ा रहे ते शेर मैं कदे दाएं बाएं दे नहीं पढ़े मैं बस अल्लाह वालें दे पढ़ना मैं सूफियात ते शार इस वास्ते पढ़ना बरकत भी हो जाती ते जरा समझ भी सौखी आ जाती है ओ पेंडू ना फिर आके ते कहन लगे या रसूल अल्लाह जे कल उमर भी ना मिले ते हुजूर ने फरमा फिर मेरे उस्मान को ले जाई पेंडू टुरिया टुरिया बाहर ते मौला अली को हुन ओ पे समझदा कि होरे मेरे पैसे दी गल पे चल दी है पर ओ जड़ा बाहर बैठा हो नबी दे इलम दे शहर दा दरवाजा बैठा है मौला अली ने आने वाली उम्मत नु दसना सी मैं दसा पहला नंबर किदा दूजा किदा तीजा किदा
मौला अली नु जा कहन लगा लो जी गल बन गई, नबी पाक ने फरमा जे कल उमर ना मिले ना ते मेरे उस्मान को ले जाई। मौला अली फरमाते ने तू ही ना, उन्हें आके जी हुन की फरमा फिर जा पुछ के आ यार सुल्लाह जे कल उस्मान भी ना मिले ते मेरे पैसे ते मर गए। नौजवान पेंडू ने आके मजे दे नबी दी दरवाजे दी चौखट नो पकड़ लिया, कहन लगा कमली वालिया मैं कल बड़ा सफर करके आना है ते कल समान भी ना मिले, मेरे आका ने फरमा कल आवी मैं देवांगा, मैं ना मिलिया मेरे अबू बकर को ले जाई, अबू बकर ना मिलिया उमर को ले जाई, उमर ना मिलिया उस्मान को ले जाई, ते उस्मान भी ना मिलिया फिर ओदे को ले जाई जेड़ा पार बह के तेनू अंदर भेजी जा रहा। चलो बस हो गया बिस्मिल्लाह, थोड़ी हाजिरी हो गई बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह कबूल फरमा। उच्चा बोलो हुन सुभान अल्लाह, जिन्हों पहला होने की समझ आ गई है कि पहला वो बोले सुभान अल्लाह। बस साबिकून अल अव्वलून, ओ जड़े अव्वलून होने तो सबकत लै गए। मेरा दिल करता पहले हजरत पीरे बाहू के दरबार के चक्कर ना लगा के आइए, अज ने जिन्हें हाथ नहीं ना चुकया नाल दा बेली बुकल खोल के उदा हाथ चुक के जगा के बोलो सुभान। मेरा दिल करता है कि इन्नी मस्जिद चो सुभान अल्लाह आवाज आवे, पूरा साल जेड़ा नमाजी आवे उन्हें मस्जिद दी दीवारों चो सुभान अल्लाह दी आवाज सुनी जावे, उन्हें पता लगे इत्थे नबी पाक दे यार दा जिक्र होया सुनी सुभान अल्लाह कह के गए सन। आरिफान दे सुल्तान उम्दतुल कामिलीन कुतुबुल मुकम्मलीन बुरहानुल वासिलीन उम्दतुल वासिलीन उम्दतुल वासिलीन हजरत सखी फनाफिल्ला बकाफी हु हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जद ओदे वल गए ना जेड़ा पहले चो भी पहला है ओदे वल गए ते आप इरशाद फरमाते ने साबित सिदक लभीवे हुलुनु दे तिज जिक्र अल्लाह दा हर दम पिया पढ़ीवे हु जाहिर बातिन एनायानी मैनु हो सुनीवे ओ नाम फकीर तिनादा बाहों एक कबर जिनादी जीवे साबित सिदक ते कदम अगेरे ते ताईं रब लभीवे हो। मेरी जमिल्लत दे नौजवानों ओ जेड़ा पहले चू भी पहला है पहले चू भी पहला आइयो दा तज़करा छेड़िए थके ते नहीं पिंड दे कमी दा दमाद होवे या चौधरी दा दमाद होवे ते लोगों दा अदब ते इहतराम करदे ने साडे पिंड दा दमाद है। मौला अली दी किन्नी शान है कि मौला अली दूल्हा बन के मेरे नबी दे वेड़े आए। हजरत उस्मान गनी दी कितनी अजमत है दो बारी दूल्हा बन के नबी दे वेड़े आए पर उस सिद्दीक दे क्या कहने हो जिदे वेड़े कमली वाला लाड़ा बन के ब्याह जांदा है जिदे वेड़े कमली वाला लाड़ा बन के जावे एक ओ सिद्दीक जिन्हें दौरे जहलीयत अंदर भी कदे बुत नु सजदा नहीं कीता ना करो भाई अपनियां ना करो। मैं ज्यादा देर थोड़ी समझ खराशी नहीं करनी एक घंटा मैं थोड़े बस थोड़े कोल ओदे विच जिक्र पाका ना सुन लो हैं भाई साहब अगे भी करने बैठे तवज्जो दौरे जाहिलियत दे अंदर भी हजरत सिद्दीक अकबर ने कदे बुत नु सजदा नहीं कीता जदों शराब हलाल सी ना ते लोग पानी दी जगह भी शराब पींदे सन अबू बकर उस दौर च भी कदे शराब वल वेख्या भी नहीं
ऐसा पकीजा सीरत वाला, बचपन भी नबी दे नाल, जवानी च भी नबी दे, ओ बोले जेड़ा नाल है। अच्छा, जवानी च भी नबी दे, बढ़ेपे च भी नबी दे, मक्के विच भी नबी दे, मदीने विच भी नबी दे, गली विच भी नबी दे, बाजार विच भी नबी दे, गार विच भी नबी दे, मिजार विच भी नबी दे, ते हशर नूं भी नबी दे। इंज ना कह लवां कि उंज ते नबी दा साया कोई नहीं, पर जेड़ा सारी जिंदगी मुहम्मद दा साया बन के नाल नाल रहा उन्हूं अबू बकर सिद्दीक कहिंदे ने। उन्हूं अबू बकर, अबू बकर, अबू, सारे बोलो, सारे बोलो, सुभान अल्लाह। सिद्दीक दा पहला नंबर, हाँ जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। चलो जी, नहीं भाई हसना नहीं मेरे बेटे, मस्जिद च बैठे हो, उदी अपनी मोहब्बत करन दियो। तेरी भी अपनी मोहब्बत भाई, तेरी भी अपनी मोहब्बत, यार रसूल अल्लाह माशाल्लाह। हज़रत सिद्दीक अकबर जवान हुए ना, ते आपने तिजारत दा सफर ते तिजारत दा कारोबार शुरू किया। गल अव्वलून होंदी, मुल्क शाम तिजारत ले जा रहे थे, रस्ते च जंगल ते जंगल च रात ते रात नु आंधी तूफान ते बारिश आ गई। अपने गुलाम नु बुला के फरमाम लगे, वेख किधरे रात गुजारन दी जगह मिल जावे। उन्हें अर्ज की, मैं देख के आया कि जंगल के किनारे थे कि ईसाइया का गिरजा माबद इबादत खाना, इजाजत होवे ते रात गुजारन दी इजाजत लेके आवां। फरमा चल दोनों कट्ठे चलने, जाके दरवाजा खटकाया ते एक गुलाम बाहर आया। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमा के असी परदेसी आते रात गुजारना चाह रहे हैं, आंधी ते तूफान ते बारिश आ गई। उस गुलाम ने आख्या के अंदर जेड़ा पादरी ओदी 400 साल उम्र है, उन्हें कदे इत्थे रात किसी नूं गुजारन दी इजाजत नहीं दित्ती, हर वक्त इबादत करदा है। बाद ने ओदा नाम नस्तूरा लिखे ते बाद ने ओदा नाम बुहीरा लिखे। ओ गुलाम क्या लगा कि एक बार इत्थे एक मुसाफिर ने रात गुजारी ते उन्हें रात नूं गुनाह कीता, उदे गुनाह दी गुस्सा दी वजह तो पादरी दी इबादत च खलल आया। उस दिन तो बाद किसे इसे रात गुजारन दी किसे नूं इजाजत नहीं दित्ती, तुसीं जा सकदे हो। अते मुड़ के फरमावन लगे, मैं ते चलिया मगर पादरी नूं मेरा पैगाम देवी कि क्या तेरे कोल को गारंटी है कि आने वाले गुनाह ही करके जाना। आप इतना फरमा के चले गए, गुलाम जब कुंडी लगा के अंदर गया ते पादरी ने इबादत कर दिया, पूछया कि रात इस वक्त बाहर कौन सी। कह लगा कोई परदेसी आया ते उन्हें रात गुजारन दी इजाजत मंगी, मैं नहीं दिती। वो जांदा जांदा कह के गया है कि पादरी ने पूछी कि क्या तेरे कोल को गारंटी है कि आने वाले गुनाह ही करके जाना है। उस पादरी दियां अखां दियां भावां दियां अखां ते गिर गईयां, इतना ज़ईफ कमजोर है कि उन्हें अखियां दियां भावां पकड़ के ते अख खोली। अपने गुलाम नु कह लगा, दौड़ के जा तेन पूछ के आ तेरा नाम की है। गुलाम दौड़िया ते जंगल में जाके हजरत सिद्दीक अकबर नु आवाज दे के कह लगा, जान वाले तेरा दस जा तेरा नाम की है, मेरा मालक पे पूछ दे। आपने गुलाम ने आके पूछा ते आपने फरमाया, मैं मक्का शहर दा रहने वाला। फिर कह लगा, जा ते उन्हें पूछ के आ, ओ मक्का जेड़ा दो पहाड़ा दे दरमियान है। फरमाया, मैं उस मक्के दे रहने वाला। कह लगा, फिर जाते उन्हें पूछ के आ, चलिया किथे। फरमाया, मैं मुल्क शाम तिजारत वास्ते जा रहा। पादरी कह लगा, दौड़ के जाते उन्हें बुला के अंदर लेके आ। नौजवान जड़ वाले सिद्दीक अकबर अंदर आए, उस पादरी ने इस्तकबाल किया, कह लगा, तेरा नाम की है। फरमाया, मां ने ना अब्दुल्ला रखे, लोग अबू बकर कहंदे ने। कह लगा, किथे दे रहन वाला है। फरमाया, मैं मक्का दा रहन वाला हूं, किथे चलिया, मैं मुल्के शाम जा रहा हूं। पादरी ने पुराना जे संदूक खोलिया, ओदे विच पुरानी जी किताब निकाली, कदे किताब दे वर के वेखदा, कदे अबू बकर दा चेहरा वेखदा है, ते वेख के कहन लगा, तू ते ओही लगना है। फरमाया, बाबा मैं कौन लगना वा। कह लगा, अबू बकर जे नाराज ना होए, एक निशानी वखा दे। फरमाया, बाबा मैं रात गुजारने आया हूं,
इन्हें सवाल क्यों पिया करना है। कह लगा एक सोने एक आखरी निशानी वखा दे। फरमाया बाबा दस की वेखना ही। कह लगा जे नाराज ना हो अपने पेड़ तू कपड़ा हटाया। जे आपने अपने पेड़ तू कपड़ा हटाया उन्हें पेड़ उते तिल का निशान वेखे। आओ पादरी दियां चीखा निकल गई। कह लगा तू ते ओ ही अबू बकर है। फरमाया बाबा किवें दियां गल्लां पिया करना है। कह लगा जे नाराज ना हो इक आखरी सवाल का जवाब दे दे। फरमाया बाबा दस की पूछना चाहना है। हाथ जोड़ के कह लगा झूठ तू कदे बोलिया नहीं पर मैनू सच दसी तेरा यार कोई मुहम्मद भी है। तेरा यार को मुहम्मद भी है। हजरत सिद्दीक अकबर ने उस बाबे वाल बड़ी हैरत ना वेख्या। फरमाया बाबा तू मेनू किवें जानना है ते मेरे यार नू किवें जानना है। कह लगा मुझे दस तेरा यार को मुहम्मद है। फरमाया हाँ बचपन दा यार है कुरैशियां दे सरदार दा पुत्र है काबे दे मतवली दा पुत्र है नाम मुहम्मद है। दुनिया सादिक ते अमीन कह दिए। सूरत भी सोहनी ते सीरत भी सोहनी है। आपने फरमाया बाबा मैनू किवें जानना मेरे यार नू किवें जानना। गुजरांवाला दे रहना वाले पापे दियां चीखा निकल गईयां। कहन लगा अबू बकर तू मेरी गल करना तेनू कौन नहीं जानदा। कहन लगा या समान तू अल्लाह ने जमीन ते जितनियां किताबां उतारियां ने उन्हां किताबां दे अंदर जिथे जिथे मुहम्मद दा नाम लिखे नाल ही तेरा नाम लिखिया। ओ पहले जो पहला सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। बे मुर्शिद दे नाते मेरी गल ही नहीं ना मुर्शिद वाला बोले सुभान अल्लाह। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। हर सहाबी ये नबी हर सहाबी ये नबी हर सहाबी ये नबी हर सहाबी ये नबी। तवज्जो है जी सारे दी। उधर वैसे जी करम दे इधर पादरी कहन लगा आसमान तो अल्लाह ने जितनिया किताबा उतारियां हर किताब विच जिथे जिथे मुहम्मद दा नाम लिखे नाल ही तेरा नाम लिखे। हुण जे इजाजत होवे तो इस गल ते कुरान पढ़ा। पिछलियां किताबां तौरात होवे ज़बूर होवे इंजील होवे उन्हां च मेरे नबी दा नाम लिखे। पढ़िए कुराने दे उते ताकि गल पक्की हो जाए ना कि पर जिथे जिथे मुहम्मद दा नाल है नाल ही अबू बकर दा नाम लिखे। अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर-रसूल अन-नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल पादरी कहन लगा जिथे जिथे मुहम्मद दा नाम है नाम ही तेरा नाम है। हुण तुसी पुछोगे ते मैं दस ही देवां। ओ पादरी कहन लगा तू कोई अज दा आख्या मैं कदूंगा
एक दिन ना जबरील अमीन मेरे नबी को बैठे थे, अचानक हजरत सिद्दीक अकबर आ गए, ते जबरील ना मेरे वाल देखा जी, उठ के ना जितनी देर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे रहे जबरील, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला चले गए, मेरे आका ने फरमाया जबरील मैं हमेशा देखे जदू तेरे बैठे कदे मेरा यार सिद्दीक आवे तू ओदे अदब चुट के खड़ा हो जाना, बैठदा नहीं वजह की है। जबरील अर्ज़ की यार सुन लै, पिछे एक बड़ी लंबी कहानी है, जो इजाजत हो मैं सुनावा। मेरे आका ने फरमा सुनाओ, जो थोड़े वालों इजाजत हो मैं भी सुनावा। मेरे आका फरमा सुना, जबरील अर्ज़ की यार सुल्लाह सल्लाह अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ने हजरत आदम नु बनाया ते आदम अलैहि सलाम नु बना के सानू फरमा उस जुदूल आदम सजदा करो आदम नु, ते असी सारे खड़े सोची पै गए करिए के। जबरील कहंदे ने मैं चुके फरिश्तां दा उस्ताद भी हाँ ते इमाम भी हाँ, ते सारे फरिश्ते मेरे वाल वेखन के जे उस्ताद जी सजदा करन ते असी भी करिए। ते मैं सोची पै गया जे मैं सजदा कीता ते अल्लाह ने मेरा इम्तिहान ही ना लेना होवे, ते अल्लाह बाद विच फरमावे कि मैं तेनों आख्या सजदा कर ते तू क्यों कीता, तेनों नहीं पता गैरुल्लाह, जिवें अज लोग गैरुल्लाह समझदे ने। ते जे सजदा ना कीता ते अल्लाह इहना फरमावे हुक्म अदुली कीती, क्यों नहीं गल मन्नी, करां कि ना करां। अर्ज की थी यार सुन ला, जे मैं सोच अच्छा थे अचानक मेरी निगाह उठी थी, मैं अल्लाह दे अर्श वाल वेख्या, अर्श एक सफेद रंग का गुंबद है, उस गुंबद के इर्द गिर्द हर तरफ लिखे अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। उस गुंबद दे विचू हजरत अबू बकर सिद्दीक की आवाज आई, तो बड़ी हैबतनाक आवाज से आपने फरमाया जबरील जल्दी कर सजदा कर। अर्ज की थी ऐसी दिल से हैबत सिद्दीक अकबर की छा गई, मैं फौरन सजदे च गिर गया। वो दिन गया ते अज दा दिन आया, ऐसी सिद्दीक दी हैबत मेरे दिल उते वे जदू आवे मैं दे अदब छुट के खड़ा हो जाऊंगा। वेखो कदों दा है, पर रब्बे काबा दी कसम गुजरना वाले वाले ओ जदों दा भी है ना उदों दा ही मुहम्मद दे नाल है, ओ जदों दा भी उदों दा ही मुहम्मद दे नाल है, अज भी नाल है, कब्र च जाके मजार च वेख लो अज भी नाल है। ते मेरे नबी ने दामन पकड़ के ते इस तरह करके उच्चा करके फरमाया दुनिया च भी इंज कब्र च भी इंज ते हशर च भी इंज ही होवांगे, अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहि सलाम ने 950 साल तबलीग की थी। कितने 950 साल, और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया दिन नूं तबलीग नहीं सन करदे रात नूं भी करदे सन। 950 साल बाद अल्लाह दे नबी नूं ख्याल आया मैं देखा मेरे उम्मती कितने बने, आपने गिनती की थी ते 80 उम्मती टोटल, कितने 40 मर्द 40 औरतां 8 घर दे अफराद ते 72 दीगर लोग। अल्लाह दे नबी नूं ख्याल आया कि ना मेरी कदर ही नहीं कीती, 950 साल दिन ते रात तबलीग ते 80 उम्मती। गुजरांवाला दे रहण वाले हो, जामिया मस्जिद बहारे मदीना विच आउण वाले हो, फिर कमली वाले दी तबलीग तो वारी वारी ते सदके सदके ना जाइए। उत्थे 950 साल तबलीग की थी ते 80 उम्मती बने, ते जदो आई कमली वाले दी तबलीग दी बारी ते मेरे नबी ने 40 साल ते नबूवत दा ऐलान ही ना कीता, 40 साल बाद पहली वही आई ते पिछे रह गए 23 साल, उन्हें 23 सालां दीआं रातां नूं रब नाल जाके गल्लां कीतीआं, बाकी रह गए दिन, ते उन्हें दिनों में अबू बकर नूं सिद्दीक अकबर भी बनाया, उमर नूं फारूक आजम भी किया, उस्मान नूं गनी किया, अली नूं हैदर करार किया, बिलाल नूं काबे दीआं छतां ते चढ़ाया, बेजर नूं अबू जर बना दिता, वो जेड़े वफादारे उन्हां नाल भी मुलाकात हो रही, बदर की जंग भी हो रही, उहद की जंग भी हो रही, जंगे खंदक भी हो रही, हुनैन की जंग भी हो रही, गजबात भी हो रहे, जेड़े वफादारे उन्हां नाल मुलाकात भी की जा रही। इत्थे मस्जिद का इमाम नहीं मान, उत्थे नबिया का इमाम, उत्थे नबिया का इमाम, यार असहाबे सूफा नूं पढ़ाया भी जा रहा, सहाबा की तरबियत भी की जा रही, रब की सारी कायनात का निजाम भी मुस्तफा के हाथ में वह भी संभालिया जा रहा। इत्थे 1 2 3 4 बीवियां किसी दी, उत्थे 11 बीवियां ते सारे राजी, जग भी राजी ते रब भी राजी, यानी उन्हें 23 सालां च इतने काम भी किए। ते तबलीग वेख, मेरे आका ने फरमाया कयामत नूं 120 सफा होणगियां सारियां उम्मतां दियां, मशरिक तो लैके मगरिब तक 1 सफ होवेगी। हजूर ने फरमाया ना 120 सफा विचों 80 मुहम्मद दे गुलामां दियां होणगियां। वेख मेरे नबी दी तबलीग दा असर, 120 सफा चो 80 मुस्तफा दे गुलामां दियां ते 40 सारे नबियां दे गुलामां दियां। अब एक तबलीग मुस्तफा दी,
उत्थे 950 साल तबलीग ते असी इत्थे मेरे नबी मुकाम तनईम ते बैठे ते असी यहूदिया ने मेरे नबी ते हमला किया साहबा ने असी गिरफ्तार करके एक पहाड़ की गार च बंद कर दिते। एक दिन नबी पाक गुजरदे गुजरदे फरमाया चलो माफ कर दो। हजूर ने माफी दी थी। वो असी नबी पाक दा यहूदी ने सारे कलमा पढ़ दे गए। मैं सच्ची दस उत्थे 950 साल च असी इत्थे एक माफी ते असी थाने दी तबलीग वेखो। अल्लाह दे नबी हजरत नूह अलैहि सलाम नूं जलाल आया कि इन्हें मेरी कदर ही नहीं की थी। रब दे नबी ने हाथ उठाए एक दुआए जरर की थी। बद्दुआ नहीं कहंदा दुआए जरर की थी। पढ़ियो दुआ। चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे सही। महफल दे लंगर दे आसरे ना आया करो। थोड़ा आसरा घरों भी करके आया करो। है आप बंदा कुछ सुभान अल्लाह कहें जो कोई हो जाता है अपने नाल कदे नाल दे दा हाथ ही चुकना पै जाता। थोड़ा लंगर खा के आया करो। है हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। जिदा खाइए ओदा गाइए। जिदी अम्मी ने दस के भेजा मैं तेनों पालिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुननी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी ने अर्द की थी रब्बी ला तज़रा अल अर्द मिनल काफिरीन दैयारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लू इबादक वला यलिदू इल्ला फाजिरा कफ्फारा। अल्लाह दे नबी नूह अलैहि सलाम ने अर्ज की थी या अल्लाह इन्हें 950 साल से कलमा नहीं पढ़िया ते इन्हां दी अगलियां नस्लां भी नहीं पढ़ना इन्हां नूं गर्क कर दे। अज उम्मती कलमा पढ़ के कहंदा नबी नूं दीवार दे पिछे दा नहीं पता। ओ चलिया वेख नबी अगलियां नस्लां तक पिया वेख दे। आख्या इन्हां दीआं अगलियां नस्लां भी कलमा नहीं पढ़ना ते ईमान नहीं लिआउणा इन्हां नूं गर्क कर दे अल्लाह। अल्लाह ने उस वेले दुआ कबूल कर ली। अल्लाह फरमा पानी दा अजाब आवेगा। जमीन भी पानी उबलेगी ते उबलेगी ते आसमान तो भी पानी बरसेगा। सैलाब ते पानी दा अजाब आवेगा। कुछ भी दुनिया च बाकी नहीं रहेगा। कुछ बाकी ना रहा। आ जिहड़ी हुण इंसानियत ते तुहानूं दुनिया नजर आ रही है ना ये हजरत आदम अलैहि सलाम दी औलाद नहीं ये हजरत नूह अलैहि सलाम दी औलाद है। इसे वास्ते हजरत नूह अलैहि सलाम नूं आदम सानी किया जांदा है क्योंकि जिहड़ी आदम अलैहि सलाम दी औलाद सी ओह तूफाने नूह च सारी गर्क हो गई। ये हजरत नूह अलैहि सलाम दी औलाद है। मगर आप इस गरज नाल आदम सानी किया जाता है दूसरा आदम क्योंकि आदम अलैहि सलाम की औलाद इन्हां दी नस्ल ते औलाद बची। अल्लाह ने फरमाया कि सारे गर्क हो जाएंगे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। हत्ता के तूफाने नूह के अंदर काबा भी अल्लाह ने आसमान से फरिश्ते उठा के लागे ये दोबारा जमीन से उतारे क्योंकि सारी कायनात गर्क हो गई। अल्लाह ने फरमाया इतना पानी दा अज़ाब आवेगा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा क्योंकि रब दे नबी आखे से कुछ भी बाकी ना रहे। अचानक नबी नु ख्याल आया ते अर्ज की थी आ जेड़े मेरे ने मैं असी बनाए ने इन्हां दा की बनेगा। अल्लाह फरमाया सोने एक कश्ती बना लो ते इन्हां नु विच बिठा लो बचेगा ओ जेड़ा तेरी कश्ती च बैठा होएगा। एवें नहीं असी दाता साहब जाते असी एवें नहीं बाबे फरीद को जाते चूरा शरीफ असी एवें नहीं जाते। सानू पता है बचदा वो ही है जिहड़ा इन्हां दीआं कश्तियां दे विच आ जांदा है। इत्थे पानी दा अज़ाब है। अल्लाह दे नबी हजरत हूद अलैहि सलाम दी कौम उत्ते आंधी ते तूफान ते हवा दा अज़ाब आउणा सी। अल्लाह दे नबी ने अर्ज कीती या अल्लाह ये जेड़े मेरे ने इन्हां दा की बनेगा। फरमा इन्हां नूं खड़ा करके ते इर्द गिर्द एक लकीर ते दायरा ते हिसार कर दियो। उम्मत नूं कहो कि लकीर दे बाहर नहीं निकलना दायरे तो बाहर ना कोई निकले। आंधी दा आवाज अज़ाब आया तूफान आ गया इतनी तेज हवा चली के काफिर उस हवा नाल उड़ के पहाड़ां नाल टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए। गुजरां वाला वाले पर मेरे वल वेख्या जो जेड़े नबी दे दायरे दे विच खड़े ना वो अपनी पेशानियां ते मत्थे तो इस तरह करके पसीना पे साफ कर देना। नहीं समझे दायरे दे बाहर इतनी तेज हवा है कि काफिर हवा नाल उड़ के पहाड़ां नाल टकरा के टुकड़े टुकड़े हो रहे मगर दायरे दे अंदर जेड़े खड़े इतनी तेज हवा उन्हां दे मत्थे दा पसीना भी नहीं सुखा सकी। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कल्ला दे वली सन बकरियां जंगल च चार दे सन जदों जुमे दी अजान दी आवाज आउणी ना उन्हां बकरियां नूं खड़ा करके ना सारियां इकट्ठियां करके ते लकीर लगा के ते जुमा पढ़न चले जाणा। जदों जुमा पढ़ के आउणा ते बकरियां दायरे दे अंदर बैठियां ते शेर दायरे दे बाहर बैठा होणा। ना बकरियां दायरे तो बाहर आ रहियां ते ना शेर अंदर जा रहा।
इस वास्ते असि मुर्शिद कोल जाने आं कि मुर्शिद अपने मुरीद इर्द गिर्द अपने कर्म की निगाह करके ते तरीकत ते शरीयत दा एक दायरा लगा देंदा है। ना नफ्स गुनाह करान बाहर जा सकदा है ते ना शैतान गुनाह करान अंदर आ सकदा है। इस वास्ते जाने असि अल्लाह वाले दी बारगाह विच बचदा होवे जिहड़ा इन्हां दे दायरे च आ जाए जिहड़ा इन्हां दी कश्ती च बैठ जाए ओही बचदा। अल्लाह ने फरमाया तीन मंजिला कश्ती बनाओ ते विच बिठा लो अपने। अल्लाह दे नबी ने फट्टे जोड़ने शुरू किए, सारा दिन फट्टे जोड़ते हैं लकड़ी दे। रात नूं जदों आराम फरमाते हैं ते फट्टियां नूं सियोंक लग गई, दीमक लग गई, जिहड़ा लकड़ी नूं कीड़ा लग जांदा ना फर्नीचर नूं, उह कीड़ा लग गया, उहने कीड़े ने सारी लकड़ी खा ली। अल्लाह दे नबी नूं ख्याल आया कि मैं रोजाना फट्टे जोड़ना ते कीड़े खा जांदे ने ते इह कदों कश्ती बणेगी ते अजाब दे दिन भी करीब आ गए। हज़रत नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह नूं शिकायत की ते अर्ज़ की या अल्लाह कीड़े फट्टे खा जांदे ने। अल्लाह ने फरमाया फिर इंज करो इन्हां फट्टियां ते चार नाम लिख दो। अर्ज की या अल्लाह की लिखा हूं पढ़ा जाको सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया के फट्टे ते लिखो अबू बकर सिद्दीक, लिखो उमर फारूक, एक ते लिखो समान गनी, एक ते लिखो मौला अली। अर्ज की या अल्लाह चारे कौन ने, फरमाया मेरे यार दे यार ने। अल्लाह दे नबी चौं यारां दा नाम लिखे आओ, नौजवानों बेड़ा बन गया ते उम्मत दा बेड़ा पार हो गया। के सिद्दीक दे सदके उस उम्मत दा बेड़ा पार हो सकदा है, फिर इस उम्मत दा भी बेड़ा पार हो सकदा है। ए भी पता चल गया नबी दे यारां दा नाम लिखिए फटे कीड़िया तू बच जांदे ने। जान लग्या कफन ते मुहम्मद यारां दा नाम लिख के कबर चले जाई, कबर दे कीड़िया तू बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। पता लगया ओ हजरत नूह अलैहि सलाम दे दौर च भी सिद्दीक है सी, जदों आदम नूं सजदा कीता उदों भी सिद्दीक है सी। ते पादरी कहण लगा तू कोई अज दा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने पादरी नूं फरमान लगे, पादरी ओ बाबा तू मेरे यार नूं किवें जानना है। तुसा सुभान अल्लाह कहनी पर जुमला सुन के, जुमला सुन के, जुमला सुन के, जुमला सुन के। पादरी कहन लगा अबू बकर आसमानी किताबां च लिखे है वो जिहड़ा तेरा यार मुहम्मद है ना वो अल्लाह दा आखरी नबी होवेगा ते तू आखरी नबी दा पहला खलीफा होवेगा। गल जो पहले दी करनी है, वसाबिकून अल अव्वलून, अव्वल होण विच सबकत लै जावण वाले। पादरी कहन लगा कि ओ जड़ा नबी ओ आखरी है ते तू खलीफा पहला। हजरत सिद्दीक अकबर बाबे वल बड़ी हैरत नाल देख के फरमांदे ने बाबा किवें दीआं गल्लां कर रहे, मेरा नाम आसमानी किताबां च लिखे। रात गुजरी जिवें गुजरी, जदों हजरत सिद्दीक अकबर सुबह टुरन लगे ना ते पादरी रोई जावे 400 साल उम्र दा बाबा, ते रो के कहन लगा तुसी तुर भी चले हो। फरमाया मैं मुल्के शाम जाना, मैं लेट हो रहा। मेरा ईमान कहंदा बाबा वे के कहंदा होवेगा अज लथा नहीं हो अखियां दा चा, अज लथा नहीं हो अखियां दा चा, तू थोड़ी देर होर ठहर जा। अज लथा नहीं हो तो थोड़ी देर और ठहर जा, ते रब पूरी कीती दिल दी दुआ, तो थोड़ी देर और ठहर जा। सिद्दीक अकबर टुरन लगे, बाबा रोई जा रहे हो, कहन लगा सुने 400 साल पहले मैं किताबा च पढ़िया से जंगल च मुहम्मद यार ने गुजरना है,
कहन लगा सुने लोकी समझते ने मैं 400 साल इथे इबादत करदा रहा। कहन लगा इबादत दा ते बहाना सी मैं ते तेरी राह विच कुली पा के बैठा रहा। जंगलां च बैठा बाबा कहंदा मां जी तेरा कलमा पढ़ चलिया सोनिया मैं कुछ नहीं मंगदा इको अर्द कर चलिया। जदों कयामत दा दिहाड़ा आवे अपने आशकां दी गिनती करें बिच मेरी भी गिनती कर ली। मैं आज मोहम्मद दा कलमा पढ़ के चले। हजरत सिद्दीक अकबर बाबे ने छोड़िया ते आप मुल्के शाम गए पर आप फरमांदे ने तिजारत करन नु जी ना करे बाबे दियां गल्लां याद आंदियां ने। आपने कुछ सामान बेचा कुछ ना बेचा ते टुरे टुरे मक्के आए मक्के दे बाहर पहुंचे ते अबू जहल ने बाहर इस्तकबाल किया ते अबू जहल कह लगा अबू बकर तेन पता तेरे बाद मक्के की बनी। फरमा की बनी। कह लगा ओ जेड़ा तेरा यार मुहम्मद ना बड़िया अजीब गल्ला करन लग पे। फरमा की फरमा दे इंसान ने मर के मिट्टी च मिल के फिर दोबारा जिंदा होना ते उस रब नूं अमलां दे हिसाब देने ने। ते अबू जाल कहन लगा अबू बकर मक्के च एक तू सियाणा है ते एक मैं सियाणा हां ते मैनूं सच्ची दस एक गल जिहड़ी मुहम्मद करदे ने मन्नण वाली है। कह लगा जेड़ा बंदा मर के मिट्टी च मिल जाए दोबारा जिंदा हो किवें सकदा है। हजरत सिद्दीक अकबर कोई जवाब नहीं दिता आप तुर पे ओ उठ जाके ते मुड़ के फरमाया फरमाते ने जो मेरा यार कहंदा ठीक ही है। ते अबू जाल कह लगा ठीक किवें। फरमाया वेखना जेड़ा रब बंदे नु पहली बार मिट्टी च बना सकदा है ओ रब बंदे नु दूसरी बार भी मिट्टी च बना सकदा है। अल्लाह ने कुरान मजीद विच फरमाया कुल युही हल्लदी अनशाहा अव्वल मर्रा वहुव बिकुल खल्किन अलीम। फरमाया मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमांदा तेनु मिट्टी चो बनाया फिर मिट्टी चो मिला के फिर मिट्टी चो बना लवांगे। हजरत सिद्दीक अकबर घर आए सामान रखा ते नबी पाक दे घर गए दरवाजा खड़काया अम्मा खदीजतुल कुबरा ने पूछा कौन। आख्या अबू बकर। हजूर किथे ने। फरमाया पहाड़ा मल गए। हजरत सिद्दीक अकबर पहाड़ वाला आओ कोहे अबू कबैस दी चोटी ते हजूर बैठे। हजरत सिद्दीक अकबर पहाड़ी दी चोटी वल दौड़े। नबी पाक ने यार नूं आंदा वेख्या ना सरकार ने बाज़ खोले। सिद्दीक अकबर ने आके जट्ठा मारिया ते कान च कहंदे ने ए मैं की पिया सुनना। नबी करीम ने फरमाया अबू बकर जो सुनिए सच सुनिए बहुते मौजदे की करने ने दस बाबे की गल तो सुनानी है के मैं सुनानी। सिद्दीक अकबर ने कदम फड़ ले अर्द की थी कमली वाले कलमा पढ़ाओ। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ठहर जाओ मैं तेन चन्न तोड़ के बखावा सूरज मोड़ के बखावा दरख्ता नु तोड़ के बखावा पत्थरों की कलमे पढ़ाओ के बखावा अर्द की थी सोने मैं मौज देखी करने ने अंदरों आवाज आती है तू सच्चा नबी है जेड़ा मक्के बह के शाम दिया सचियां दस दे ओ फरशा ते बह के अरशा दिया भी सचियां ही दस दे। हाँ ठीक है ठीक। ऐ गल दी मैनूं अज समझ आई है इश्क दे चले ही नंबर लै गए। इश्क दे चले ही नंबर लै गए अकलमंद एवें उमर गालियां। बहरहाल उन्हें आख्या सुनिया गुजर वाले तो सुनियो तुहानूं मेरे वल्लों मुबारक होवे क्योंकि 1500 साल बाद तुहाडा ते मेरा ओही अकीदा है जिहड़ा दुनिया के पहले मुसलमान का अकीदा सी।
दुनिया का पहला मुसलमान मुसलमे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर ने चन्न टुटदा वेख के कलमा नहीं पढ़िया, सूरज मुड़दा वेख के कलमा नहीं पढ़िया, अबू बकर ने दरख्त टुटदा वेख के कलमा नहीं पढ़िया, अबू बकर ने पत्थर नो कलमा पढ़दा वेख के कलमा नहीं पढ़िया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक का इल्मे गैब वेख के कलमा पढ़िया से पता लग्या 1500 साल बाद सुनिया का वो अकीदा जो दुनिया के पहले मुसलमान का अकीदा से असी वही अकीदा रख लिया। तो गिरामी कदर हजरात वेख लो ईमान ले उच भी ओही उबले, खलीफा भी ओही जेड़ा मानदा उबले, खलीफा भी ओही अव्वल है, ईमान ले उच भी ओही अव्वल है। अल्लाह ने फरमाया बस साबिकून अल अव्वलून, अव्वल होन च सबकत ले जाने यानी पहले च भी पहले वो उम्मत दा पहला है। अफजलुल खल्क बाद अलंबिया, अफजलुल बशर बाद अलंबिया। मेरे नबी ने फरमाया सूरज दी अख ने, सूरज दी अख ने नबियां तो बाद जमीन उते अबू बकर नाल अफजल इंसान देखिया ही नहीं। नबियां तो बाद जड़ा सब तो अफजल है पहला नंबर है जिदा वो अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह ने फरमाया वसाबिकून अल अव्वलून, फरमाया अव्वलून होन विचु सबकत ले जान वाले। जदों कलमा पढ़िया ना फिर सारी जिंदगी यार नाल गुजारी। एक दिन गल टुर पई, ये फिर किसी दिन मुकम्मल गल सुनावांगा, अज मैं अपने मौजूद मुताबिक छोटी सारी सुना देवा। गल टुर पई ते नबी पाक ने फरमाया दसो किन्नो किन्नो की पसंद है, दसो किन्नो किन्नो की पसंद है। सब तो पहले दरसी देखे एक बार उठ के खलोते अर्ज की जी मैं दसा मैनू की पसंद है, फरमा जी तुसी पहले दस लो। अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरे जेडे सब तो पहली पसंद है ना वो ए वे के नजर इला वजह रसूल अल्लाह, अख मेरी होवे ते मुख तुहाडा होवे, ओदी पसंद वेख। आख्या जी मेरी सब तो पहली पसंद है वे के अख मेरी होवे ते मुख सोने तुहाडा होवे, ते मैं अख रखी होवे कमली वाले तेरे मुख ते। इहदे ते इक गल सुनावां, चलो फिर कदे सही नहीं सुभान अल्लाह बंदी ते नाल दे बंदे ना मशवरा कर लो, जे बंदी है तो रोंद ना मारो तो चबो तो सुभान अल्लाह। हाँ जी ठीक है, अख मेरी होवे ते मुख, मैं इशारा करन लगा ते सारे ने नहीं समझना, ओना समझना जिन्ना नू समझ इश्क दी। अख मेरी ते मुख तुहाडा होवे, करी उमर मतलब साहब गार होवे, गार विच दो यार ने, इक रब दा ते इक रब दे यार दा यार है, ते गोदी है ते गोदी विच महबूब है ते अख ते मुख। जिमें सुबह मस्जिद चारी उमर मतलूब साहब के कोलों बच्चे कुरान दे रेल दे कुरान रख के पढ़ते ना, बस इंजी उन्हें गोदी की रेल बनाई बेच कुरान वाला रखे है। नाले वेखी जांदे वेखी जाने नाले कह देने अज रज रज वे खो अज रज रज वे खो अखियोनी मुड़ आना जाना किस्मत दा पर्दे आउणगे चुक मीम दा पर्दा मुखड़े परदा मुखड़े तू दिल दीद बिना ना रजदा है क्यों ना चाहो वे तेनु वेखन दा इस सवाब तक बरी हजदा है। मेरी पहली पसंद पूछो ना ते अन्नदरु इलावा जे रसूल अल्लाह
ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਖੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵੇਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਾਹ ਨੀਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਿਗਾਹ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ। ਪਰ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ, ਦੋ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਆਏ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੁਰ ਪਏ, ਜਿਤਨੀ ਦੂਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦਾ ਸਤੂਨ ਸੀ, ਥੰਮ, ਪਿੱਲਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਨ ਹਨਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਜ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾਨ ਗਏ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾ। ਇਧਰ ਨਮਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਹਾਬਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੁਲਾ ਕਰਾਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਮਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇ ਹਨਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੂਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾਂ ਚੂ, ਮਸਜਿਦ ਚੋ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈ ਨਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੈ, ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਇੰਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਦਿਸ ਅਲੀਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿੱਲੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਿੱਲੇ ਦੇ ਖੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖੁੱਸਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਮੁਹੱਦਿਸ ਅਲੀਪੁਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਮਾਜ਼ੱਲਾ ਅੱਲਾ ਯਾਦ ਬਿੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਮੀ ਸਮਝਦੇ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਧਰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਹੂਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੌਲਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗਰੀਬ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਬਸ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਤਨਾ ਰੋਹਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ।
तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा लेट हो गए, आप सुलह करावन गए, साहबा मुड़ मुड़ देख रहे, मगर इस वास्ते देख रहे हजूर आमद ते दीदार हो। आखिर नबी पाक लेट हो गए, हथाबा ने अर्ज की, अबू बकर सिद्दीक तुसी नमाज पढ़ाओ। अच्छा गुजरा वाले पढ़े लिखे नौजवान, मैनु सची दसो करी साहब लेट हो जावा ते किसी ना किसी दस के गए ने कि ओ फलां बंदा करी साहब मेरे बाद नमाज पढ़ा सकते। सहाबा ने अबू बकर सिद्दीक ने क्यों आख्या कि तुसी नमाज पढ़ाओ, हालांकि उसे उमर फारूक उस्मान ने गनी मौला अली हजरत बिलाल हजरत अबू हुरैरा तलहा जुबैर इतने जैसे सहाबा भी मौजूद सन, फिर सहाबा ने हजरत अबू बकर ने क्यों आख्या तुसी नमाज पढ़ाओ, ये तो मतलब है नबी ने दसिया सी कि मेरे बाद जो मेरे मुसल्ले का वारिस है अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि नबी के बाद ओदा ही मुकाम है। नबी ने दसिया सी ना कि मेरे बाद आ जड़ा मेरा मुसल्ले दा वारिस है। सहाबा ने अबू बकर नूं आखिया नमाज पढ़ो, हुण ये नमाज पढ़ा रहे, एक रकात पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी वास्ते खड़े होए तो उधरों हजूर आ गए। ओ पिछली साफे खलो के ना नबी पाक ने मुसल्ले ते सिद्दीक ते पीछे कमली वाले। अच्छा पढ़े लिखे मैं सच्ची दसो जी गली चो कमली वाले गुजर जान, अठ दिन खुशबू हजूर दी आउंदी ते जिथे नाल कमली वाले खलो जान। हुण नबी पाक जदों खलोए ना कारी साहब, उस सहाबी ने सांस ते सांस च हवा ते हवा च नबूवत दी खुशबू गई ना, ते ओ आ वेखे जे मेरे वल, उहने अज नमाज पढ़ जाना, हजूर वाल वेख्या हजूर आ गए, नाल देनु कोनी मार के दसे इधर हजूर आ गए, हुण ओना नाल देनु ओना नाल देनु दसे हजूर आ गए, नमाज च खलबली मच गई, पिछे हजूर आ गए ना। हदीसे पाक के चांदा साहब ने इस तरह करके हट के सब च जगह बना दी, नबी पाक टुरदे 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 पहली सफे च आ गए। हुण पिछे अगे इमाम सिद्दीक नबी पाक पिछे खड़े, हुण सहाबा दा इरादा कि सिद्दीक अकबर नूं दसीए पिछे हजूर आ गए। सिद्दीक अकबर हुण बड़ी खुशू खुजू नाल नमाज पढ़ रहे, बड़ी तवज्जो दे नाल, हुण सहाबा दा दिल करे कि दसीए कि पिछे हजूर खड़े ने, हुण आ मेरे वल वेखो सहाबा ने नमाज पढ़ दिया। नमाज पढ़ दिया करना शुरू, आवाज इतनी बुलंद हुई कि आखिर सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ दिया, आपने तवज्जो हुई कि पीछे आवाज कुछ ज्यादा की हो गया, आपने ना नमाज पढ़ दिया इंज खड़ के ना मुड़ के एक बारी हजूर वाल वेख्या, हाय 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 हुण अगे काबा ते पीछे यार, अगे काबा ते पीछे या अन्नदर इलावा जे रसूलुल्लाह, पीछे यार। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया नमाज पढ़ा कि मैं ते वल वेखा, मैनू काबा भुल गया याद रहना, सोम सलाता को यार दा फिकर करी साने अखल शेर पड़े आज हजरत बाबा बुल्ले शाने से मंजर नो अपने अल्फाज च बयान कीता, फरमा देने इसकी करदा सदा अपनी मर्दी दे कम नए राह वेखदा, ना कुरा वेखदा इश्क करदा सदा अपनी मर्दी दे कम नए राह वेखदा, ना कुरा वेखदा ए जिथे जावे ए जिथे जावे दसर नए काबा ते नवा करबला वेखदा। या रसूल अल्लाह लबैक या रसूल अल्लाह, आमीन 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 आमीन, बिस्मिल्लाह जिंदाबाद। बैठ जाइए, आगे काबा
ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਜਾਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਸਿੱਦੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਕੈਸਾ ਲਮਜ਼ਾ ਬਦਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਤੇ ਸਿੱਦੀ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਇਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤਕਵਾ ਰੱਖ ਮਹਿਬੂਬਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲ ਦਵਾਰਾ ਮਲੀਏ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਯਾਰ ਬੇਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਜਾਓ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਚ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਬਹਿਰੀਆ ਟੋਂ ਚ ਜਿਹਦਾ ਬਹਿਰੀਆ ਟੋਂ ਚ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੰਨਤ ਚ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਫੇ ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ ਪਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਾਫ ਚੱਕ ਲੋਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਕੀਤੀ ਮਾਦਾ ਦੇ ਨਾ ਵਾਲੇ ਆਉ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਾਂਢੀ ਯਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੀ ਆਉ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਢ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਉ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ ਆਖਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਨਬੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤਰਫ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੂੰਹ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅੱਖ ਯਾਰ ਵੱਲ ਚਿਹਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਚਿਹਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨਜ਼ਰੂ ਇਲਾ ਵਜਹ ਰਸੂਲ ਇਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ।